Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand Nursing File. Today in this video, we are going to learn about the health talk, that is umbilical cord care or umbilical cord stump care. And through this video, you learn this health talk very easily. And this video helps you to write the health talk in examination work purpose or for the assignment work purpose. So friends, yahan par hum अम्बिलिकल कॉर्ड केयर का हेल्थ टॉक लर्न करेंगे. तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हेल्थ टॉक ऑन अम्बिलिकल कॉर्ड केयर. हेल्थ टॉक के लिए सबसे पहले हम एक फ्रंट पेज तैयार करते हैं जिसमें सबसे ऊपर कॉलेज का नाम, देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हेल्थ टॉक ऑन अम्बिलिकल कॉर्ड केयर सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाई. इस तरह से यहाँ फ्रंट और कवरिंग पेज होगा जिसको हम सबसे पहले तैयार करेंगे. कॉलेज का नाम हो गया, टॉपिक हो गया सबमिटेड टू सबमिटेड बाय, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन डाटा. इसके बाद हमको आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना है जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, मीन जो स्टूडेंट हेल्थ टॉक को प्रेजेंट करा है उसका नाम, क्लास हो गया, टॉपिक हो गया, टाइम, ड्यूरेशन, डेट, लैंग्वेज, मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर कम डिस्कशन, एबीएट्स, चार्ट, ओएसपी, फ्लैश कार्ड, लीफलेट, ब्लैक बोर्ड, ऑडियो विजुअल एड्स में लिखना है, प्लेस जहाँ पर हम एल्टॉक प्रेजेंट करना है, ग्रुप में लिखना है जिनको हम एल्टॉक प्रोवाइड करा रहे हैं, नेम ऑफ एवेल्युएटर मिस टीचर का नाम लिखना है. तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना है. नेक्स्ट लिखना है हमको प्रीवियस नॉलेज. प्रीवियस नॉलेज में टू चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल, जनरल ऑब्जेक्टिव्स टू गिव प्रॉपर नॉलेज रिगार्डिंग अम्बिलिकल कॉर्ड केयर एंड एंड ऑफ द टीचिंग द ग्रुप विल बी एबल टू नो अबाउट द अम्बिलिकल कॉर्ड केयर. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमको जो भी कंटेंट है उसको स्पेसिफाई करना है, जैसे कि एट द एंड ऑफ द टीचिंग द ग्रुप इज एबल टू डिफाइन अम्बिलिकल कॉर्ड, टू एक्सप्लेन अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प, टू एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प केयर, टू डिस्क्राइब अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प केयर, टू एक्सप्लेन रिस्क और कॉम्प्लिकेशन एट द अम्बिलिकल कॉर्ड साइट. तो इस तरह से हमको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं. इसके बाद हमको एक हेल्थ टॉक का फॉर्मेट तैयार करना है जिसमें सबसे फर्स्ट सीरियल नंबर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टाइम, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एवीएट्स, इवेल्यूशन. तो इस तरह से एक हेल्थ टॉक का फॉर्मेट तैयार करेंगे जिसमें सबसे फर्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन लेना, टू मेक रिपोर्ट विद द ग्रुप, टाइम 1 मिनट का होगा, कंटेंट में सेल्फ इंट्रोडक्शन, मीन जो स्टूडेंट टीचर अपना इंट्रोडक्शन देगा, माई सेल्फ ललिता बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम द श्री गुरु कृपा कॉलेज ऑफ नर्सिंग त्रिवेणी. इस तरह से नंबर सेकेंड इंट्रोडक्शन द टॉपिक विद ग्रुप, टाइम 1 मिनट का होगा, कंटेंट होगा इंट्रोडक्शन टू टॉपिक, टुडे आई विल डिस्कस विद यू about the umbilical cord stump care. When baby is born, the umbilical cord is cut and there is a stump left. The stump should dry and fall off by time your baby is 5 to 15 day old. तो यहाँ हमको इंट्रोडक्शन देना है, लेक्चर कम डिस्कशन जो हमारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होगा. नंबर थर्ड, टू असेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रुप, टाइम 1 मिनट का होगा, प्रीवियस नॉलेज में लिखना है, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प केयर. नंबर फोर्थ में, टू डिफाइन अम्बिलिकल कॉर्ड, टाइम 2 मिनट का होगा, कंटेंट में डेफिनेशन होगा, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी लेक्चर कम डिस्कशन, और एवीएट में लीफलेट लिखना है, और एवेल्यूशन में डिफाइन अम्बिलिकल कॉर्ड केयर लिखना है. कंटेंट को देखते हैं, कंटेंट में डेफिनेशन में द अम्बिलिकल कॉर्ड इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू देयर बेबी वाइल प्रेगनेंसी. प्रेगनेंट इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द बेबी सो द मदर्स बॉडी कैन गेट रिड ऑफ देम. नंबर फिफ्थ पे, टू एक्सप्लेन अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प, टाइम 2 मिनट का होगा, कंटेंट में अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प के बारे में बताना है. सॉरी, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को लेक्चर कम डिस्कशन, एवीएट्स, लीफलेट और एवेल्यूशन में व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प. कंटेंट में हमको अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प के बारे में लिखना है. इसमें कंटेंट होगा, आफ्टर योर बेबी इज बॉर्न योर मिडवाइफ और डॉक्टर विल क्लैम्प एंड देन कट द अम्बिलिकल कॉर्ड. आफ्टर इट इज कट, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कॉर्ड विल रिमेन अटैच्ड टू योर बेबीज बेली बटन. दिस विल बी अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज नो
नॉन एज द कोड स्टम। तो ये था अम्बिलिकल कोड स्टम के बारे में। नंबर सिक्स, टू एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ अम्बिलिकल कोड स्टम्प। टाइम 2 मिनट का होगा, कंटेंट में होगा एडवांटेज ऑफ अम्बिलिकल कोड स्टम्प केयर, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को। लेक्चर का लेक्चर कम डिस्कशन एबीएड्स होगा, ब्लैक बोर्ड। इवेल्यूशन लिखना है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अम्बिलिकल कोड स्टम्प केयर। कंटेंट में देखते हैं, यहाँ पर कंटेंट में लिखना है हमको, टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न अम्बिलिकल कोड स्टम्प, प्रिवेंट इन्फेक्शंस फ्रॉम फॉर्मिंग एंड कीप्स योर बेबी हैप्पी एंड हेल्दी। द अम्बिलिकल कोड डिटैचिंग फ्रॉम योर चाइल्ड्स बॉडी इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से हमको एडवांटेज बताना है इसका। नेक्स्ट नंबर 7 पर लिखना है, टू डिस्क्राइब अम्बिलिकल कोड स्टम्प केयर। टाइम 8 मिनट का होगा, कंटेंट होगा अम्बिलिकल कोड स्टम्प केयर। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी वो लेक्चर कम डिस्कशन एबीएड्स में, ओएसपी इवेल्यूशन में, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ न्यूबॉर्न अम्बिलिकल कोड स्टम्प। तो कंटेंट को देखते हैं, यहाँ पर अम्बिलिकल कोड स्टम्प केयर में हियर ए फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड अंटिल द कोड कम ऑफ। Be gentle, keep your hands off it. Sorry, and don't ever pull on it. Keep the cord clean and dry at all times. Skip the tube, skip the tub and sink, and give your baby swans baths instead. Leave the cord alone until it fall off by itself. यहाँ पर हम डायग्राम में शो भी कर सकते हैं बेबी का अम्बिलिकल स्टम्प किस तरह से ड्राई होगा, स्टेप्स बाय स्टेप्स। तो आप डायग्राम में इसको बता सकते हैं। एंड कंटिन्यू, लीव द कोड अलोन अंटिल इट फॉल अप बाय इटसेल्फ, फोल्ड डायपर सो दैट दे रेस्ट बिलो द कोड टू शील्ड इट फॉर्म योर लिटिल वन पी। यू कैन लुक फॉर डायपर दैट हैव एन एरिया कट आउट for the cord or cut a spot out of a regular diaper. Just place a piece of tape around it to seal the edge. Watch the following symptoms. While uncommon infection and other complications involve the umbilical cord stump can occur. If you notice any of the following, call baby's provider. Baby's umbilical cord stump does not fall off after 3 weeks or a office. This can be sign of an underlying problem such as infection or an immune system condition. Sign of infection including smelly yellow discharge from the cord area, red swollen skin at the base of the cord, or crying when you touch the skin near the cord. Umbilical granuloma, this small mass of red scar tissue stay on the belly button after the cord fall off. An umbilical granuloma can drain a light yellowish fluid and typically resolve itself with a big umbilical hernia. If you notice baby's belly button area pushes out when they cry, they must have an umbilical hernia. This small hole in the muscle of the abdominal wall allow tissue to bulge out when there is pressure on the belly. Sorry. Number 8 लिखना है, टू एक्सप्लेन रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस एट द अम्बिलिकल कोड साइट। टाइम 3 मिनट का होगा, कंटेंट में रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस एट द अम्बिलिकल कोड साइट। लेक्चर कम डिस्कशन होगा एवियट्स में, फ्लैट्स कार्ड और एवेल्यूशन लिखना है, व्हाट आर द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एट द अम्बिलिकल कोड साइट। तो कंटेंट में लिखना है, ओम्फेलाइटिस इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ द स्टम कैन अकर। द फॉलोइंग सिम्टम्स आर साइन ऑफ इन्फेक्शन। The infection the stump leak a clear to yellow fluid pus that smells bad. The skin around your child's umbilical cord changes color red or swell. Child has a fever of 104 degree Fahrenheit or 38 degree centigrade or higher. Child is overly sleepy or lethargic fatigue. Child is not feeding well. Child has weak muscle tone, hypotonia. Umbilical hernia with this condition, part of the baby's intestine pokes through the
मसल नियर द बेली बटन इट इज नॉट यूजली सीरियस एंड टिपिकल गेट बेटर ऑन इट्स ऑन बाई एज ऑफ टू। नंबर सीरियल नंबर 9 होगा यहाँ पर। टू कंक्लूड टॉपिक टाइम 1 मिनट का कंक्लूजन लिखना है हमको। केयरिंग ऑफ चाइल्ड सम्बलाइकल कॉर्ड इज द फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ द लाइफ इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन वंस दे आर बॉर्न। योर प्रोवाइडर विल कट द कॉर्ड विच लीव्स स्मॉल पीस हैंगिंग ऑन टू देयर बॉडी दिस विल नेचुरली ड्राई अप एंड फॉल ऑफ विद इन द 3 वीक्स। डोंट पुल ऑफ द कॉर्ड ऑफ ऑन योर ऑन मेक श्योर द कॉर्ड इज ड्राई एंड क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। नंबर 10 में लिखना है। टू समराइज टॉपिक टाइम 2 मिनट को समराइज में टूडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप केयर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग डेफिनेशन एडवांटेज टेकिंग केयर ऑफ द स्टंप रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस। नंबर 11 में लिखना है हमको। टू रिकैप्चुलाइज टॉपिक टाइम 2 मिनट में कहोगा रिकैप्चुलाइजेशन में जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको दोहराना है। जैसे कि व्हाट डू यू मीन अबाउट अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप एंड हाउ डू यू परफॉर्म अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप केयर। तो इस तरह से हमको रिकैप्चुलाइजेशन में लिखना है। लास्ट में लिखना है बिब्लियोग्राफी मीन्स जो भी हमारा बुक्स है जिनसे हमने टॉपिक रेफर किया है वो हमको यहाँ राइट डाउन करना है। तो इस तरह से यहाँ हम हेल्थ टॉक को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।